जय हिंद गाइस। सो यहाँ पे नेशनल पीजी कॉलेज का एक अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है, जो फॉर्म भरने को सोच रहे हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। तो आप देख सकते हो कि जो नेशनल कॉलेज में 21 तक आप जो है अब आवेदन कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें आपको बताया था कि 5 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो, बट अब बिकॉज ऑफ सम रीजंस यहाँ पे जो डेट है वो एक्सटेंड अगेन कर दी गई है। तो आप देख सकते हो कि नेशनल पीजी कॉलेज में दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है। कॉलेज प्रशासन 21 जुलाई तक आवेदन लेगा। इसकी जानकारी प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि CBSE और ICSE के परीक्षा परिणाम ना आने की वजह से आवेदन तिथि को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि उक्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा, आप ध्यान से सुनिए, उक्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 27, 28 और 29 जुलाई को होगी। छात्र बिना किसी विलंब शुल्क के 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा फॉर्म तभी पूर्ण माना जाएगा जब वह परीक्षा फॉर्म में अपनी अंक तालिका अपलोड कर देंगे। तो जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो अपना जो भी नंबर है, मार्क्स जो आपको मिले हैं, वो अपलोड कर दीजिए। अगर वहाँ पे PDF फाइल मांग रहा है या आपका कोई फाइल अपलोड करने को बोल रहा है, तो आप जो नेट से आपने कॉपी डाउनलोड की है रिज़ल्ट की, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। या अगर रिटर्न में मांग रहा है तो आपको वहाँ पे देख के ध्यान से सब कुछ चीज़ें फिल आउट करनी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे जो सही इन्फॉर्मेशन है हम आपको वही प्रोवाइड करते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो आपको डाली थी कि आप इधर उधर भटके मत। और देखिए क्या है, मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करता, टू बी वेरी ट्रू। जब सही इन्फॉर्मेशन आती है तब मैं आपको बताता हूँ वो चीज़, जब सही चीज़ ऑफिशियल पता चलती है तब मैं आपको बताता हूँ। कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे को और ऑथेंटिक लगता है मेरे को, जब ऑथेंटिक होती है वो जांचने के बाद, तभी मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। अदरवाइज़ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कि ये डेट फला डेट फला डेट, कोई फ़ायदा नहीं है यार, मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए। ओके, सो फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे जब आपकी LU की डेट्स वगैरह आएंगी, एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ था कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि एडमिट कार्ड आ गया है। अरे भाई, जब 5 जुलाई तक यहाँ पे वो था तो आप एडमिट कार्ड कैसे पहले बता रहे हो आ गया है, हैं? मतलब कुछ भी विश्वास कर लेते हो क्या यार आप लोग? 21 जुलाई को अब यहाँ पे लास्ट डेट है, उससे पहले एडमिट कार्ड आ ही नहीं सकता। ठीक है, 21 जुलाई के बाद ही एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट 21 जुलाई को अप्लाई करे और उससे पहले अगर एडमिट कार्ड दे देंगे तो फिर जो 21 जुलाई को अप्लाई कर रहा है उसको कैसे देंगे? तो 21 जुलाई अब यहाँ पे जो डेट है उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा। जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो तो आपको पता लगी गई हैं अभी के लिए। आगे जो भी नोटिस आएगा या जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट आएगा, तो वो हम आपको बता देंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सही जगह आप रहिए और इन्फॉर्मेशंस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अब आप सर्च करोगे नेट पे, गूगल करोगे, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बट सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है वो आप देखिए और उसको सपोर्ट करिए बॉस। हर एक स्टूडेंट तक ये सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाए जो अभी इधर उधर भटक रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में वो परेशान हो रहे हैं। एक ने कमेंट किया कि एडमिट कार्ड आ गया और एक ने बोला कि हाँ आ गया, और फिर उसी में डिस्कशन होने लगा कि यार कैसे आ गया, मेरे को बताओ कहाँ से डाउनलोड है। अरे आया ही नहीं है, कहाँ से डाउनलोड कर लोगे यार? जब आया होता तो मैं खुद ही बता देता। ओके, तो अभी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, फुल फोकस आपका रहना चाहिए और कुछ दिन बचे हैं, जान लगा दीजिए। ईबुक अगर आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारी ईबुक को, आप देख सकते हैं। रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स के साथ साथ आपको जो कंप्यूटर है, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लीनियर, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और सॉल्यूशन भी आपको डिटेल वीडियो वाला सॉल्यूशन मिलेगा, 2 मास्टर वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं चीज़ें। बाकी शेयर जरूर कर दीजिएगा।